महाराणी राजियां दी सरकारां ने कि असी महलां च बह जाइए तो जिन्ना अपनियां प्रॉपर्टियां वधा सकीए जिन्ना वध तों वध इकट्ठा कर सकीए कर लिए। ये जिहड़ा लुटेरा कल्ला साधु सिंह नहीं है, ये लुटेरे इन्हां दी पूरी जिहड़ी विधानसभा लुटेरियां नाल ही भरी हुई है। कैप्टन साहब ने ईजी किया माफिया नूं भाई, चलो भाई तुहानूं शराब दे ट्रक ट्रुक लैके निकलदे औखे आ, रेते दे टिप्पर जिहड़े मैं 30 जुलाई नूं बंद कर चुके वह भी औखे आ, एवें कोई निमाणा नताड़ा ना मर जाए। कहना मैं तुहानूं लॉकडाउन ला के करोना का तुहानूं सौखा करदा, कैप्टन साहब ने माफिया सौखा किया। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ 'ਚ ਆ, ਨਾਲੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਨਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। देखो पुतला इत्थे पंजाब दे लोग खड़े अज जिन्हां नूं महसूस हो रहा कि असी लुट्टे गए हाँ, साडा कख नहीं रह गया। जिहड़ी सरकार ने, कैप्टन सरकार ने, राजे की सरकार ने जो नीतियां अपनाइया हुई महाराणी राजियां दी सरकारां ने कि असी महलां 'च बह जाइए तो जिन्ना अपनियां प्रॉपर्टियां वधा सकीए जिन्ना वध तों वध इकट्ठा कर सकीए कर लिए। ये जिहड़ा लुटेरा कल्ला साधु सिंह नहीं है, ये लुटेरे इन्हां दी पूरी जिहड़ी विधानसभा लुटेरियां नाल ही भरी हुई है। इन्हां दी सरकार दे जिहड़े बंदे बैठदे ने, हो सकदा कुछ कोना चो एक दो कोई निकल जाण ते की कहना। सो ये पंजाब दे लोकां नूं आ गई है समझ, ते हुण जिहड़ियां टिप्पणियां बयानबाजियां बखला के दे रहे ने, इन्हां नूं पता है भी असीं जाणा जांदे जांदे असीं जिन्ना लुट सकीए लुट लाँगे। तो जिहड़ा इह करोना दे नां ते, करोना जे कोई बीमारी है, तुसीं लोकां नूं सहयोग दिओ, लोकां नूं तुसीं सहायता दिओ, लोकां नूं दिमागी तौर ते संतुष्ट रखो। पर इन्हां ने की कीता होया, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ 'ਚ ਆ, ਨਾਲੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਨਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆਊਗੀ। ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਨਿਕਲਣਗੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ। ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਚੋਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਹੀ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਆ, ਰਲੀ ਭੁਗਤਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਇਹਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਦਰਦ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਸ ਕੋਚੀ ਚਾਲ ਦਾ ਇਹ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਵਰਤਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ 1200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਟਾਲਾ ਕਰ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਾਰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਵਿੱਚ
जिहड़ी स्कॉलरशिप का फॉर्म आ घट्टो घट्टो की फीस 500 to 600 रुपया लगता कोई टैक्स का सर्टिफिकेट कोई जाति सर्टिफिकेट बनाने वो बेचारे पूरी मेहनत के नाल अपना काम छड़ के 1000 रुपए का नुकसान करके ये एहसास ना तुरदे भी हुण साडे जवाक की पढ़ाई सही हो जाऊ हुण साडे जवाक नूं ना टीचर तंग करूगा ना कॉलेज वाले परेशान करनगे पर जदों पिछों सेंटर सरकार तो पैसा आउंदा तुसीं बड़ी हैरानी वाली गल है सानू नहीं सी पता लगता नीचे अध्यापक वर्ग के कितने जाना पैसा पैसे नहीं आ रहा पर हुण सानू पता लग्या पैसा तो आ रहा पर उन्हों जिहड़ा वरतण वाला बंदा वह बेईमान है उन्हें जिन्हें उन्होंने रखवाला बन के पैसा लेके उन्होंने हक्का तक पहुँचा उन्हें हक्का से डाका मारे जी एक जो है यूनियन महाजन ने 3 मैंबरी कमेटी का गठन किया पहली गल तो मैं ये दसो पंजाब के रिवाज कदों पै गया तो किसी तो इल्जाम लगता इल्जाम तो बाद पूछा जाए तू इल्जाम किया कि नहीं एक IAS ऑफिसर 54 सफ़िया की चिट्ठी कैप्टन साहब न लिख के सबूत दिता सबूत देने तो बाद बंदा कहना भी आने घोटाला किया घट्टो घट वो पहली रिपोर्ट पर FIR करो ना वो पहली रिपोर्ट पर FIR करो जे वो बंदा इनकुआरी लगा तो वो FIR करके फिर इनकुआरी करो अगला इनकुआरी मंग नहीं रहा तो तुम उन्होंने धक्के इनकुआरी दे रहे हो यह कितों ना इंसाफ फिर यही इंसाफ कैप्टन साहब उन्होंने लोगों का ही कर लिया करना जिन्हों के 200 रुपये का इल्जाम होंगे जिन्हों छोटे जे फोन चोरी का इल्जाम होंगे जिन्ह के कोई मोटरसाइकिल का इल्जाम होंगे कई ने तो किया भी नहीं होंगे उन्होंने तो फट के फटाफट अंदर सुट दें जी पहले इंटरव्यू के दौरान तुम्हें कहा कि अकाली दल ने भी अपने राजपाल के दौरान किया मैं एक ही गल कहना चाहनी हाँ तुम्हें अकाली दल ने 1200 करोड़ रुपया जड़ा इस वर्ग का आया सी वह आपके संगत दर्शन खर्चता सी मैं नहीं कह रही वह कैप्टन साहब का मैनीफेस्टो कह रहा जिते कैप्टन साहब ने 100 खाधी सी 4 हफ्ते ने गुटका साहब की कसम खाधी सी भी आ नुकसान हो गया यदा मैं तुहानू आउंदी पहली कैबिनेट मीटिंग दे विच जिहड़ा जिहड़ा मंत्री इहदे लई डिफॉल्टर आ 1200 करोड़ के घोटाले लई उन्हूं मैं पहली बार जेल च सिटांगा लोगों को आस सी उन्होंने आस जताई भी चलो साडा फीसा आ जाणगी साडे बच्चों दीआं क्योंकि उन्होंने नहीं सी पता भी ये तो रस्ता लभ रहा भी खाणा किदां हुण असीं कहिंदे आ उदों इन्होंने अंदरों अंदर यह कहिंदे सी इंटरनल ऑडिट कराया उस इंटरनल ऑडिट के राहीं इन्होंने देखो अंदरों अंदर इस मसले नू उन्होंने क्लीन चिट देती भाई नहीं 1200 करोड़ रुपये का नहीं वो अकाली दल इन्हों फेवर च CBI भज गया भी तुम इतों क्लीन चिट दे दो इन्हों तो क्लीन चिट्टा बन रही हैं क्योंकि रली मिली इन्हों भारी है ये वह कहना उत्तर कट मैं चढ़ा तू 1200 करोड़ खाधा सी जिन्ना क बचा मैनू तो खा लैन दे आ गल है दूजी बारी परचे हुए की मानते हो किस तरह की साजिश चली ना तो आम आदमी पार्टी जे विधानसभा च सरबजीत कौर माणूके हरपाल चीमा जी मीत हेयर जी एंटर करने की कोशिश करते हैं नैगेटिव रिपोर्ट लैके उन्हों की फैमिली भी नैगेटिव है तो उन्होंने आवाज़ तो डर लगता कैप्टन साहब न वो बाहर बिठाई रखते उन्होंने उन्होंने पता से भी रौला पाउंगे 64 करोड़ का आम आदमी पार्टी किसी तरह के परचे तो नहीं डरती इस तरह कारण कैप्टन साहब लिस्ट मंगा लैन साडे आम आदमी पार्टी के वलंटियर्स की बड़े लखां की तादाद के सारे एक एक करके परचा ला देन कर देन क्योंकि हर एक ने धरने से उतरना लोगों ने हकों लिए हर एक ने लड़ना कैप्टन साहब कह रहे हैं आम आदमी पार्टी पंजाब के प्रदर्शन करके माहौल खराब कर रही है कोरोना फैला रही है किस तरह जज कर रहे हैं कैप्टन साहब ने एक गल पूछो 21 मार्च तो 30 जून तक लॉकडाउन लाया कोई बाहर निकलिया असी उस लॉकडाउन के भी तेरे मंत्री संतरी जहरीली शराब के किदा इनवॉल्व हो गए उस लॉकडाउन के भी तेरा मंत्री 64 करोड़ किदा खा गया ये आम आदमी पार्टी माहौल नहीं खराब कर रही कैप्टन साहब 6:30 बजे तक कहने करोना ओके आ 6:31 करोना बाहर निकल आता और करोना नहीं बाहर निकलता रात का लॉकडाउन तुहानू भी पता पंजाब का कल्चर है भी 8 बजे रोटी खा के सारे सौ जाते सवेर के 5 बजे तक कोई नहीं होंगे सड़कों पर उ होएगा जो एमरजेंसी वाला ज माफिया कैप्टन साहब ने ईजी किया माफिए भाई चलो भाई थोड़ू ज शराब के ठे ट्रक ट्रुक लैके निकलते औखे आ रेते दे टिप्पर जोड़े मैं 30 जुलाई में बंद कर चुके वह भी औखे आ एवें कोई निमाणा नताड़ा ना मर जाए कहना मैं थोड़ा लॉकडाउन ला के करोना का तुम्हें सौखा करता कैप्टन साहब ने माफिया सौखा किया माहौल आम आदमी पार्टी नहीं खत्म कर रही मेरे वीर ये माहौल खराब कर रहे खुद कैप्टन साहब जो सरकारी आवास बैठे नहीं पता नहीं कितने बैठे चाई चंगल च जिस दिन का लॉकडाउन लगे महाराणी प्रनीत कौर एक दिन भी नहीं जनता चाहे जनता के मुद्दे चक रहे हो आवाजा चक रहे हो महाराणी प्रनीत कौर लॉकडाउन के नहीं बाहर आई महाराणी प्रीत कौर नूं तां मैं उस दिन तो कह रही हूँ भी तेरे वर्गी माँ नहीं हो सकती तेरे वर्गी औरत नहीं हो सकती जदों तेरे जदों मेरी गल सुनो जदों देखो महाराणी प्रनीत कौर के दरवाजे दे विच
जेडे वह अध्यापक कुटे सी वह बेचारे कोई हड्डियां तुड़वा लिया किसी ने कपड़े पड़वा ले आपके माँ को तो एक उत्ते दर्द नहीं आया एक माँ होने के नाते उन्होंने दर्द आना चाहिए सी पर वो तो उत्ते भी नहीं निकल।